ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुना रहा हूँ। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं बृहस्पतिवार की व्रत विधि। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरम्भ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा के लिए पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटवाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वह उस मनोकामना को अवश्य पूरी करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने को जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती और ना किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थीं। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव भी बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआ तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कही, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मत रखाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार सात बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार सात बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल तीन बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी।
किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहा, ही दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बेजर मांग कर के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, ही रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी, अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते ही न बोलते ही, इसलिए मैं नहीं बोली, कहो दासी क्यों गई थी। रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेजल लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक गड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मनक्कों से विष्णु भगवान का केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी लाई तथा उड़द की दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआ तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुआरी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगी, उनकी कोई खोज खबर नहीं है,
गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़ारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिसे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कहानी कहूं या सुनूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती और ना किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़ी थोड़ी जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के वह दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय रास्ते में उसे सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन तक भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फुफड़पन नष्ट हो जाए तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ाया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु जी की पूजा अवश्य करना।
पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता भी अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया, फिर मंदिर ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़ारा बने राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को काम काज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़ारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़ारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़ारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़ारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था, तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटित देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़ारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़ारा मनी मन अपने भाग्य को कोसने लगा, तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़ारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें यह कष्ट हुआ है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़ारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग, बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं, धर्मशाला किसने बनवाए हैं? सबने उसे बताया कि ये सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में तो एक बार सभी बृहस्पति देव का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप सबको ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लें। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि सब हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे? जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में भी जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुना दी। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवागत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा, घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गररिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था।
राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिया का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू मायके जाना तो अकेले जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थी, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए। तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। दसवें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे, उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम को चले गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।